हेलो स्टूडेंट्स, हम एक नया थ्योरम आपके लिए लाए हैं कि टेंजेंट सेकेंट थ्योरम और उसका प्रूफ। क्या है टेंजेंट सेकेंट थ्योरम, देख लेते हैं एक बार, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास, 9th स्टैंडर्ड, CBSE बोर्ड और जो भी है वहाँ, मतलब इसका यूज़ हो सकता है। और कई बार ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी इस थ्योरम का हम यूज़ करते हैं। तो थ्योरम क्या है, देख लेते हैं। लेट ए सर्कल विद सेंटर एट ओ एंड फॉर्म ए पॉइंट पी, अ सेकेंट इज ड्रॉन टू सर्कल, इंटरसेक्ट इट एट ए एंड बी। एट पी टी बी ए टेंजेंट टू इट, देन प्रूव दैट पी एन टू पी बी इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर, एंड दिस थ्योरम इज कॉल्ड टेंजेंट सेकेंट थ्योरम। अब वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं इसका प्रूफ कैसे आएगा। सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं मैं आपकी आंखों के सामने, और ये इसका एक टेंजेंट आ गया पी पॉइंट पी टी, और एक सीकेंट वो लाइन जो इस सर्कल को दो पॉइंट पे चीर दे। एक पॉइंट ए है, दूसरा कितना है बी, और इस सर्कल का सेंटर है ओ। लेट मैं एक सेंटर ले लेता हूँ उसका ओ। अब इस सेंटर को अगर मैं टी पॉइंट के साथ मिला दूँ तो सभी को पता है कि ये जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, सर्कल का सेंटर ओ आ रहा है, पी टी इसका टेंजेंट, और ये जो सीकेंट लाइन आ रहा है, यानी एक जो लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हमें प्रूफ क्या करना है इसे, बेसिकली आपको प्रूफ ये करना है कि पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर। अब हम ट्राई करते हैं कि इसका प्रूफ कैसे आएगा, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर। देखिए, जो पॉइंट ओ आ रहा है और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट था टेंजेंट का और सर्कल का, या यहाँ पे एंगल कितना आ रहा है 90 डिग्री, इस ओ पॉइंट को पी के साथ एक बार ज्वाइन कर दीजिए। ओ पॉइंट को पी के साथ में ज्वाइन कर देते हैं, राइट। ज्वाइन करने के बाद देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल मिला हमें ओ पी टी, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। ओ पी टी में पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज कर देंगे, लगा देते हैं। इन राइट ट्राइंगल ओ पी टी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये कह रहा है ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों, पी टी स्क्वायर आ गया, प्लस कितना आ गया, ओ टी स्क्वायर आ गया। अब वैल्यू आपको चाहिए किसका, पी टी स्क्वायर का। पी टी स्क्वायर को यहीं रखो, इसको इधर ले जाओ। ठीक है, इसको जब हम साइड में लेके जाएंगे तो मिला क्या, पी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आया ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। ओ टी देखिए सर्कल की रेडियस है, तो हम एक काम और करते हैं, इस ओ को ए के साथ भी मिला दीजिए और ओ को बी के साथ भी मिला दीजिए, या ओ को ए के साथ मिला दो, छोड़ो बाकी टेंशन। और ओ से हम इस कोण ए बी पे एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर देंगे, लेट पॉइंट दिस बी एम। ठीक है, क्या क्या मैंने ओ को ए के साथ मिला दिया और ओ से इस कोण ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जो इसको पॉइंट एम के ऊपर गिरा दिया। अब देखिए, हमें जो नहीं चाहिए उसको एलिमिनेट कर दो, ओ पी स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, तो ओ पी स्क्वायर की वैल्यू जगह इस ओ पी स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं, ओ एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर लिख दो। चलो लिख देते हैं, ओ पी स्क्वायर की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे, ओ एम स्क्वायर प्लस आ गया पी एम स्क्वायर माइनस आपका ओ टी जो आ रहा है, ओ टी सर्कल की रेडियस है, तो ओ टी की जगह मैं ओ ए लिख सकता हूँ, लिख दीजिए। ओ टी स्क्वायर को हमने क्या लिखा, ओ ए, क्योंकि ओ टी और ओ ए जो है वो दोनों सर्कल का रेडियस आ रहा है। अगले स्टेप में देखते हैं, नाउ देखिए ओ एम स्क्वायर ये आ गया, और साथ में अपने पास में क्या है, पी एम स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, कुछ मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा, बट ये आपको जरूर मिलेगा, यहां से पी एम स्क्वायर ओ एम स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, ये जरूर वैल्यू कुछ ना कुछ दे रहा है, ये आपका दे देगा ए एम स्क्वायर के बराबर आएगा। मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर, ये हमें दे देगा ए एम स्क्वायर के बराबर दे देगा। तो एक काम करते हैं, यहां से पी एम स्क्वायर अपना एज इट इज रहने दीजिए, नेगेटिव यहां से कॉमन ले लिया, ओ ए स्क्वायर माइनस आ गया ओ एम स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर, ये आ गया आपका ए एम स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो यहाँ ए एम स्क्वायर पुट कर दो,
बी एम स्क्वायर माइनस आ गया ए एम स्क्वायर। अब इसके कर देते हैं फैक्टर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इन टू आया आपका ए माइनस बी आ गया। अब देखिए, बट हम जानते हैं ए एम और एम बी दोनों क्या है, इक्वल है, ऑल्सो ए एम इज इक्वल टू एम बी, क्योंकि एम मिड पॉइंट आ रहा है। अब देख लेते हैं पी एम प्लस ए एम क्या दे देगा, पी एम प्लस ए एम, ए एम किसके बराबर है, एम बी के, तो इसका मतलब पी एम प्लस एम बी जो है वो आपका पी बी के इक्वल आ गया। इसका मतलब इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं पी बी। सेकेंड पार्ट, इस पी एम में से ए एम कम कर दो तो ये किसके इक्वल आ रहा है, पी ए के इक्वल आ गया। और यही शायद अपना थ्योरम था जो पार्ट आपको प्रूव करना है। सो पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू आया पी ए इंटू पी बी, इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका बहुत ही सिंपल तरीके से हमने प्रूव कर लिया। तो ये था आज का थ्योरम, और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर नया कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक स्टूडेंट्स आप देखते रहिए थ्योरम, सीखते रहे, और चैनल को जितना हो सकता है लाइक सब्सक्राइब शेयर और वट एवर जो करना है मतलब मैक्सिमम करो, और कोशिश हो कि आने वाले समय में एक और बेहतर क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक बच्चों बाय बाय।